तो मेरा कपिल जी आपसे जानना का जो विषय था वो अभी अनुत्तरित रह गया कि राहुल गांधी जी के पास में अपील करने के कितने विकल्प और बचे हुए हैं। निजामुद्दीन जी का भरोसा इसी संदर्भ में, ये नहीं तो ये, तो एक तो ये नहीं तो ये कब तक, एक तो आपको ये बता रहा है। दूसरा, हेमंत प्रच्छक जी ने जो आज ये कहा है, जो जस्टिस हेमंत प्रच्छक है, कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें से एक वीर सावरकर के पोते के द्वारा किया हुआ भी है। तो ये जो 10 क्रिमिनल केसेस वाला उल्लेख है, ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के लिए कितना घातक है, इन दो विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए। फिर मैं त्रिवेदी साहब के पास जाना चाहूंगा, जो बल्लियां उछल रही है भाजपा की आज, दो शब्द में ये बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को कोर्ट बहुत लीनियंसी देती है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को बड़ी लीनियंसी देती है। अगर आपका पास्ट प्रेसिडेंट हो कि आप वो क्राइम करे जा रहे हो या वो क्रिमिनल एक्टिविटी या वो इलीगल काम, तो उतना ही आपके चांसेस कोर्ट की बरसी की कम हो जाती। अगर ये बात सच है, और क्योंकि सच है कि ऐसे पुराने 10 ऑफेंसेस हैं और आप उनकी गलती भी नहीं मान रहे हो, तो कोर्ट को आप कोई भी रिलीफ देना काफी मुश्किल हो जाता है। ये शॉर्ट आंसर है। और दूसरा ये है कि देखिए, कभी ना कभी तो जो लिटिगेशन का जो कहते हैं ना सीढ़ी होती है, वो भी रुकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हो, आप एमएमसी कोर्ट से आप सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आप डबल बेंच में गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी में जाओगे, और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, वो इन टेबल क्यूरेटिव होता है, उसका कोई मायना नहीं। कुल मिलाकर अभी दो सीढ़ी और बाकी है राहुल गांधी के लिए, जो उन्हें सजा से मुक्ति दिला सकती है या जेल भेज सकते हैं। कपिल सागला साहब ने अपने कानूनी अनुभव के आधार पर निजामुद्दीन जी का ज्ञानवर्धन किया है। अनंत नहीं है सीढ़ियां, सीढ़ियों की भी एक संख्या है, और निजामुद्दीन जी तीन सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं, दो सीढ़ी और बची है। थोड़ा विचार कीजिएगा अपनी रणनीति पर, क्योंकि कपिल सागला जी भी जाने माने वकील और वो ये बता रहे हैं कि बचाव के लिए जो दलीलें दी जा रही, उन दलीलों के आधार पर बचना बड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि आप गलती भी कर रहे हैं और गलती को मानने से इनकार भी कर रहे हैं, और इनकार करने के साथ साथ ऐसा वातावरण भी बना रहे हैं कि आप ऐसी गलती आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे में अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है राहुल गांधी को आपकी उम्मीदों के लिए बाहर रखना, बड़ी दिक्कत जा रही है। पर मेरे साथ में शरद त्रिवेदी जी हैं, एक बड़ा अच्छा कार्टून है शरद त्रिवेदी जी आज आया हुआ है, राहुल गांधी जी के और चित्र बने हुए हैं, एक में आ रहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं देते, और उसके बाद लिखा है अब तो मुझे बैठने भी नहीं देते। जिस तरीके से आप उल्लास में भर जाते हैं राहुल गांधी की सजा को लेकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 32 के 32 दांत चमकते हुए, ऐसा लगता है कि किसी दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं राहुल गांधी जी की सजा के साथ में दिखाने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई हसरत थी, कोई इच्छा थी, कोई रणनीति थी जो सफल हो गई। कांग्रेस का कहना है रणनीति के तहत उलझाया गया राहुल गांधी को। रविशंकर प्रसाद का आज का बयान भी कमोबेश उसी दिशा में दिखता है। क्या कहते शरद जी, राहुल गांधी से सीधे नहीं निपट पा रहे थे क्या? राहुल गांधी को आमने सामने की लड़ाई में हारने में या हराने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए आपको लग रहा है इस रास्ते से ही निपट जाए तो बेहतर है, कहां अपन उलझेंगे? क्या कहते हैं शरद जी? हिमांशु जी, देखिए आपने उस तरफ इशारा भी किया था कि आजादी के समय जो है, जो भी क्रांतिकारी थे जो जेल जाते थे, वो बाद में सत्ता में आए, वो चुनाव लड़े, चुनाव में जीते और देश का नेतृत्व किया। तो ये फॉर्मूला ये अभी भी चला रहे हैं, ये 70 साल पुराना फॉर्मूला था कि किसी भी तरह कुछ करके जेल जाओ, और जेल जाएंगे, जैसे ही जेल जाएंगे तुरंत हमको सत्ता मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो है, ये आजादी के बाद ये तकरीबन फेल हो गया है, ये फॉर्मूला 70 साल पहले था, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। और जैसे आपने कहा और कोर्ट ने भी कहा है कि ये पेशेवर जो है, इस तरह के ये बयान देने का और अपराध करने का इनका पेशा है, और ये इसी पेशे पे ये पिछले जैसे 10 केस इनके ऊपर चल रहे हैं, अनगिनत ऐसे मैटर है जिनमें केस फाइल नहीं किया गया है, और इसमें जितने भी इनके ऊपर केस हुए हैं उनमें इन्होंने यही कहते हैं कि सर मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये कम से कम एक इन्होंने सच्चाई कही, ये सावरकर नहीं है, इतने बड़े क्रांतिकारी ये हो ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इसका ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। माननीय मोदी जी ने आज तक इनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया, इन्होंने उनकी माँ के खिलाफ बयान दिए, उनके पिता के खिलाफ बयान दिए, इन्होंने बयान दिया कि साहब चौकीदार चोर है, राफेल घोटाला, जितने घोटाले हुए हैं उसमें देश के